हेलो गाइस कैसे आप सब माय नेम इज़ आशीष शैन वेलकम बैक टू माय चैनल आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो इंडिया और पाकिस्तान में रहते हैं एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी जो अभी आने वाले दिनों में या विद इन अ मंथ में कैनेडा के लिए तैयारी कर रहे थे आने की जैसे कि आपको पता है कि यूके एंड न्यूजीलैंड ने इंडिया से ट्रैवल बहुत ही लिमिटेड कर दिया हुआ है बिकॉज इंडिया में कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं सो कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी आज ये अनाउंसमेंट कर दी है दैट अफेक्टिव टूडे विच इज़ ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी वन इलेवन थर्टी पी एम ईस्टर्न टाइम ऑल कमर्शियल एंड प्राइवेट फ्लाइट फ्राम इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी सस्पेंडेड फॉर नेक्स्ट थर्टी डेज़ दैट मीन्स इंडिया एंड पाकिस्तान से आने वाले थर्टी डेज में कोई भी फ्लाइट ऑपरेट नहीं करेगी इधर पैसेंजर फ्लाइट और प्राइवेट फ्लाइट सो so, जिन्होंने अभी अपनी टिकट बुक करवा ली थी ऑलरेडी विद एयरलाइंस और विद ट्रेवल एजेंट प्लीज आप अपने एयरलाइन से या ट्रैवल एजेंट से कॉन्टैक्ट करें और अपनी फ्लाइट को रिस्कैड्यूल करें ट्वेंटी सेकेंड मे ऑनवर्ड्स अभी के लिए फिलहाल उन्होंने थर्टी डेज की रिस्ट्रिक्शन रखी है बट मे बी ये एक्सटेंड हो पाए इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन बट फिलहाल के लिए ट्वेंटी सेकेंड मे तक कोई भी फ्लाइट ऑपरेट नहीं करेगी फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान टू कैनेडा सो so ये इंफॉर्मेशन आज ही सर्कुलेट हुई है और आज से ही ये एप्लीकेबल होगी इलेवन थर्टी पीएम सो प्लीज आप इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और ये सभी के लिए एप्लीकेबल अभी के लिए कैनेडियन uh, गवर्नमेंट ने कोई भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि कौन कौन इसमें से एग्जाम होगा अगर आपको इस न्यूज़ की डिटेल इन्फॉर्मेशन चेक करनी हो तो आप कैनेडा डॉट सी ए की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंशन कर दूंगा वहां पर जाके चेक कर सकते हैं और इधर आप गूगल पे कैनेडा न्यूज़ में भी ये चेक कर सकते हैं कि आज ही उन्होंने अनाउंसमेंट की है सो so, गाइज इस इन्फॉर्मेशन को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो so दैट हर किसी को इसके बारे में पता हो और जिन्होंने भी अपनी फ्लाइट बुक करवाई हो वो एटलीस्ट एयरलाइंस को पहले ही कॉल करके अपने टिकट में चेंजेस करवा लें सो दैट उन्हें आगे जाके लास्ट मिनट पे कोई प्रॉब्लम ना हो